नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास परवा म्यूजिक शो पर। हाजिर हूँ आपके बीच दीपक के इतिहास के तीसरे पन्ने को लेकर, जिसमें आपके बताऊंगा दीपक का नाम, अनेकों नाम कैसे कैसे किन स्थान पर बदले। सबसे पहले हम पूजा से शुरू करते हैं कि जो पूजा में दीपक प्रयोग में लाए जाते थे उनका क्या नाम था। पूजा के समय जो दीपक प्रयोग में लाया जाता था वो अर्चना दीपक कहलाते थे। शयन कक्ष में निश्चय दीपक प्रयुक्त होते थे। बंदरगाहों में जो मार्ग दिखाने वाला दीपक काम में आते थे उसे आकाश दीप का नाम दिया गया। पेड़ों पर जो लटकाए जाते थे दीपक, जिसमें अनेक टहनिए होते थे, उसको वृक्ष दीप कहा गया। प्रत्येक टहनी पर दीपक और ऊपर भाग में किसी जो प्रत्येक टहनी के प्रदीपक होते थे और ऊपर भाग में किसी देवी देवताओं की मूर्ति का केवल सिर रहता था। उसमें घर के त्योहारों में आटे के दीपक काम में लाए जाते थे। दूसरों के भलाई के लिए काम में लाए जाने वाले दीपक को नंदा दीप कहा गया। कलहन के राज तरंगनी में धनिकों के घरों में मोती मणि के दीपक मणि दीप इस्तेमाल किए जाते थे। भारत के विभिन्न राज्यों के दीपक अपनी अलग पहचान रखते हैं, जैसे व्याघ्र दीप उड़ीसा के एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण दीपक है, राजलक्ष्मी दीप जो पश्चिम बंगाल में थे, मयूर दीप राजस्थान के मशहूर दीप, कनक दीप हमारे अपना बिहार की, नागदीप महाराष्ट्र। महात्मा बुद्ध की माता मायादेव के शयन कक्ष में रहने वाला एक लकड़ी के खंभे पर गंधार शैली में बना हुआ दीपक भारत का सबसे बड़ा दीपक है। मिस्र देश के सम्राट क्लोरस में के महल में इतना बड़ा दीपक था जिसका प्रकाश 200 मील तक जाता था। रोम के मकबरे से एक ऐसा दीपक प्राप्त हुआ जो 2000 वर्ष तक चलता रहा। आप सोच सकते हैं कि कौन से वैज्ञानिक द्वारा रचना किया हुआ दीपक जो 2000 वर्ष तक चलता रहा। मिस्र के पिरामिडों, रोम और ब्राजील के मकबरों, मेक्सिको की घाटियों, मेसोपोटामिया को पुरानी कब्रों के भीतर से जलते हुए दीपक प्राप्त हुए थे। कब्रों में मृत शरीर के साथ जलते हुए दीपक रखे जाने के पीछे ये श्रद्धा भाव था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को अंधेरे में न भटकना पड़े। उस काल में ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक मौजूद थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन, बिना तेल के जलने वाले दीपक बनाए जो वर्षों तक चलता रहा। आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सोडियम, एंटीमनी, सोना, पारा, प्लेटिनम, गंधक मिलाकर वो रसायन तैयार किया जाता होगा, आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कई प्रयोग किए। उन्होंने मिथाइल अल्कोहल और फास्फोरस सल्फाइड का मिश्रण तैयार करके
दीपक में भरा, पर अफसोस 3 महीने से अधिक नहीं जल सका। उनके समस्त प्रयोग निष्फल। इस सेशन में स्टोरी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम दीपक की एक रहस्यमयी कथा लेकर आएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो यह सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।